देखो बीजेपी ने तो विकास के नाम पे हमें राम मंदिर दिया हुआ है, तो राम मंदिर बनने से हमारे घर में रोटी तो नहीं आएगी। भगवान तो आ गए लेकिन रोटी नहीं आएगी। मोदी साहब बोले थे कि हर खाते में 2-2 लाख देंगे, कहाँ 2 लाख, खाली वादा ही वादा है, काम तो कुछ होता नहीं है। मोदी क्या घर पे बैठ बैठ के 2 लाख रुपए भेजेगा तुमको? शौचालय मुक्त हुआ, 370 कलम हटुआ, राम मंदिर का राम मंदिर बना, और क्या चाहिए तुमको? दोस्तों इस वक्त हम मुकुंद कंपनी लिमिटेड के आसपास हैं और यहाँ पूरी मार्केट लगी हुई है और आसपास लोग भी बहुत है, भारी तादाद में जो है लोग हैं। इलेक्शन को लेकर हम इस वक्त सर्वे कर रहे हैं और लोगों से सवाल पूछने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम हुआ? अविनाश। अविनाश पूरा नाम? अविनाश काकड़े। अविनाश काकड़े, हाँ। अच्छा तो यहीं के रहने वाले? ठाणे नहीं, यहाँ पे रेंट से रहते हो? रेंट से रहते हैं, रहते महाराष्ट्र के ही है ना? देखे अच्छा, महाराष्ट्र में कहाँ से? नागपुर। नागपुर से? हाँ। तो वहाँ किसका लग रहा है, नितिन गडकरी या किसी और का? पता नहीं अभी, किसी का नहीं, नहीं। देखिए आप किस मुद्दे पर अगर वोट करने जाएंगे तो किस मुद्दे पर वोट करने जाएंगे? विकास, महंगाई, बेरोजगारी? विकास पे जाएंगे। विकास पे जाएंगे, तो आपके मुताबिक किसने विकास किया है? नागपुर का तो नितिन गडकरी ने किया है। और देश में अगर देखा जाए तो? उसका नहीं बता सकता, उसका नहीं। नागपुर में नितिन गडकरी? यस श्योर। तो नितिन गडकरी के सामने कांग्रेस के लिए नए प्रत्याशी को उतारा है, लगता है कि नितिन गडकरी के सामने कोई नहीं दिख पाएगा? यस। क्या आपका क्या नाम है भैया? आपका नाम? मिलिंद जाधव। मिलिंद जाधव, आप कहाँ के रहने वाले? मुंबई। मुंबई, मुंबई में कहाँ से? चेंबूर। चेंबूर के रहने वाले, तो क्या लग रहा है अभी लोकसभा चुनाव को लेकर आपको? लोकसभा चुनाव के लिए हमें सोचना है कि जिसको वोट दे रहे हैं उसी का सरकार आने वाला है और वो नेशनल लेवल पे जो लॉज बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, उसे देख के हमको वोट करना चाहिए, ना कि लोकल प्रत्याशी देख के वोट करना चाहिए। अच्छा, तो सरकार को, पार्टी को देख के मतलब वोट? बराबर, क्योंकि हम अगर पार्टी देख के नहीं करेंगे तो बहुमत किसी को नहीं मिलेगा सही से। तो आप देख रहे हैं कि विकास के नाम पे हमें क्या मिला हुआ है, तो वो अपना अपना लुकआउट है सबका। तो किस पार्टी को देख रहे हैं, मतलब कौन सी पार्टी कर सकती है आप लोगों के मुताबिक विकास? देखो बीजेपी ने तो विकास के नाम पे हमें राम मंदिर दिया हुआ है, तो राम मंदिर बनने से हमारे घर में रोटी तो नहीं आएगी। भगवान तो आ गए लेकिन रोटी नहीं आए, तो हमें सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, तो शिवसेना जो है वो दो भागों में बट गई है, एनसीपी भी दो भागों में बट गई है, तो अभी जब वोट करने जाते हैं और शिवसेना की तरफ मन जाता है तो कन्फ्यूजन नहीं होती किसको दे किसको नहीं? एक तो दोनों बट गए हैं आमने सामने। दोनों बट गए हैं, उनका आपस का मामला है और दोनों अभी भी एक ही पार्टी है, सिर्फ हमें आम जनता को मालूम पड़ता है कि दोनों अलग हो चुके हैं। आप इसका नतीजा, इलेक्शन के नतीजे आने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों साथ में है कि अलग है। वैसे काम जो है वो किसका अच्छा लगता है आपको? शिवसेना का। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का है उनका लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या हुआ आपका? मिलिंद जाधव। मिलिंद जाधव जी, तो ये हमारे साथ मिलिंद जाधव थे जो कि साफ तौर पर ये कह रहे थे कि विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहिए। राम मंदिर तो बन गया लेकिन राम मंदिर के ना, सिर्फ राम मंदिर से विकास नहीं हो जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो ये मुस्कुराहट से ही पता चल गया उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ? अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ से? गोरखपुर। गोरखपुर, रवि किशन जी? हाँ, रवि किशन जी सांसद है ना? हाँ। काम किया है कि नहीं उन्होंने? वोट देने जाते हैं कि नहीं? जाता हूँ। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 22 साल से। 22 साल से रह रहे हैं, तो जब भी वोट होता है तो वोट देने के लिए जाते हैं? हाँ, जाता। अभी कब वोटिंग है वहाँ पे? यहाँ पे दूंगा कि वहाँ दूंगा? अच्छा, यहाँ पे, यहाँ का भी है। कितने साल से? 22 साल से यहाँ पे रह रहे हैं आप, तो यहाँ पे भी देते? यूपी में नहीं देते अभी, यहाँ के हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे किसको लग रहा है, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी क्यों? अब देख लो उसके आगे कौन है क्या। अच्छा, तो हमने उनसे बात की, उनका कहना था राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर से विकास थोड़ी ना होने वाला, ऐसा उनका कहना था। आप क्या मानते हैं? उनका अपना, आपका क्या मानना है? राम मंदिर से विकास हो गया है? नहीं, राम मंदिर से विकास, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनको तो मिला ना विकास? विकास जैसे दुकान मिल गया, बिजनेस मिला कि नहीं मिला? वहाँ पे पर्यटन आते हैं तो क्यों आते हैं जब वहाँ दुकान, तो विकास होएगा कि नहीं होएगा बेटा? रेलवे स्टेशन बन गया, एयरपोर्ट बन रहा है, तो उससे विकास नहीं होएगा? तो आप लोगों के मुताबिक बीजेपी ने अच्छा काम? हाँ।
इंटरनेशनल पर देखो ना मैडम, आप ही देखो इंटरनेशनल लेवल पर देखो आप। तो आप लोगों के लिए चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है, मुद्दा किस मुद्दे पर वोट? विकास, विकास इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ये अंतर्राष्ट्रीय क्या छवि बन रहा है? अब देख लो, आप ही देख लो, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, आप बताएंगे दर्शकों को। क्या नाम हुआ भैया? दत्ता जोहले। यही के रहने वाले? थाने से वोट करते हैं? नवी मुंबई से। नवी मुंबई से? तो नवी मुंबई थाने के अंतर्गत आता है। राजन विचारे हैं, राजन विचारे के सामने नरेश मस्के हैं। किसको देख रहे हैं? राजन विचारे। राजन विचारे क्यों आपसे मिलने आते हैं? कल ही आया था। कल ही आए थे? वाह, हम बहुत जल्दी आए, मतलब कल ही आए थे मिलने। क्या बात की है? आप बताए अपनी समस्या वगैरह। कुछ नहीं, बात समस्या नहीं है। नरेश मस्के ना नई न्यू कैंडिडेट है ओ, और राजन विचारे फर्स्ट पहले भी रह चुके। तो पुराने कैंडिडेट को तो नरेश मस्के महापौर भी रह चुके हैं और थाना के रह चुके हैं, नई मुंबई के नहीं। तो यहाँ संजीव नाइक का काम कैसा लगता है? संजीव नाइक है, बेटर है, अच्छा काम किया। तो आपके मुताबिक टिकट जो मिला नरेश मस्के को संजीव नाइक को जाता तो ठीक रहता क्या? ज्यादा वोट लेता था संजीव ने। काम किया है उन्होंने? उन्होंने काम किया, नाइक कंपनी का काम बेस्ट है, नाइक कंपनी का काम बेस्ट है। आप लोगों से जब उनका मतलब अगर मान लीजिए उनको मिलता तो लगता है ऐसा कि वो आते आप लोगों से मिलने के लिए? वो तो आते नहीं आते वो अलग बात है, लेकिन उनका काम है। काम है जी। तो संजीव नाइक, क्या नाम है भैया आपका? धीरू। कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी का रहने वाला। यूपी में कहाँ से? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? सिद्धार्थ नगर। सिंगार नगर? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर नोएडा जी। कहाँ? लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले? अच्छा, किसका लग रहा है, कौन लग रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी? अभी तो हमारे तो कांग्रेस का ही लहर चल रहा है। क्यों, कांग्रेस काम किया है? बोल रहा है, वादा कर रहा है करने को। अच्छा, वादा कर रहे हैं करने के लिए? वादा कर रहे हैं करने के लिए। वादा पूरा होता है कि नहीं? जब करेगा तो होता है, नहीं करेगा तो नहीं होता है। खाली वादा ही वादा है, काम तो कुछ होता नहीं है। मोदी साहब बोले थे कि हर खाते में 2-2 लाख देंगे, कहाँ 2 लाख, जीरो। खाता खोलो जीरो माइनस, खाता पासबुक लाने गए तो बोलो 200 रुपया भरो पहला, कहाँ जीरो हो गया उधर। नाम क्या है आपका, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम अंकुश लवकरे, महाराष्ट्र का रहने वाला। महाराष्ट्र में कहाँ से? यहीं से, इसी थाने से, आनंद नगर से। अच्छा, तो वोटिंग थाने का ही है? थाने का ही है। तो राजन विचारे या फिर नरेश मस्के अभी आएंगे तो जो काम किए वो आएंगे। काम किसने किया है वही तो जानना चाह रहे। अभी देखो जो बोले वादा तो उसने तो किया ही नहीं है। हर खाते में देंगे 2-2 लाख, कहाँ 2 लाख, किधर गए 2-2 लाख? काला धन लाएंगे, किधर गया काला धन? उजाला भी नहीं और काला भी नहीं। उजाला भी नहीं और काला भी नहीं, ये इनका कहना है जी। और जो गैस का जो प्रॉब्लम था, घरगुती गैस, वो कांग्रेस के काल में 300-350 रुपये में था, अभी मोदी के राज में 1200 रुपया हो गया। हर माता के घर में चूल्हा फूक फूक के माता के आंखों चले जाते थे, अभी 1200 रुपये से गैस कहाँ लाएंगे माता जी? है पैसा, पैसा ही। आपका कितने साल से रहते हो वहाँ पर? इधर मैं 20 साल से। 20 साल से। रूम खुद का है, भाड़े का है? भाड़े का है। भाड़े का है, क्यों खुद का नहीं लिया? अभी मजदूर बिगड़ ये काम करते कैसा लेगा? अरे सभी तो मजदूर करते, सभी तो काम करते, काम करने के बाद में सफलता मिलती है, काम करने के बाद सफलता मिलती है। आज लोग 40,000 में घर लिए, 40,000 में घर बेचेंगे? अभी वो टाइम में 40,000 में लिए लोग, आज 40,000 में बेचेंगे क्या? नहीं बेचेंगे। आप मोबाइल कौन सा यूज कर रहे हो? अभी तो लिया है। कौन सा यूज कर रहे हो, किसमें, किसके राज में लियो? किसके राज में लियो? अभी देखो एंड्रॉइड मोबाइल राज का मतलब नहीं है, काम करने के बाद, कष्ट करने के बाद पैसा लेगा तो मोबाइल लेता है, करने के बाद ही मिलता है। मोदी क्या घर पे बैठ बैठ के 2 लाख रुपए भेजेगा तुमको? तो बोला है ना देना चाहिए ना, बोला तो वादा। अरे कितना सुविधा मिला है, बाथरूम सुविधा मिला है कि नहीं? क्या पटरी पे जाते थे? बोला है देना चाहिए ना। शौचालय मुक्त हुआ, 370 कलम हटुआ, राम मंदिर का चाहिए, राम मंदिर बना, और क्या चाहिए तुमको? अरे वो बात नहीं है, हर खाते में देता बोला, कहाँ पैसा? आपका क्या नाम है? संजय राठौड़।
अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? रहने वाला हूँ। अच्छा, थाने के ही? नवी मुंबई के। नवी मुंबई के रहने वाले, तो वोट थाने का ही होगा, मतलब लोकसभा? लोकसभा का ही होगा। लोकसभा का। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने काम किया है? हाँ, विकसित भारत है, एक लड़ाई हिंदुत्व की है। तो आपके मुताबिक मुद्दा जो है वो हिंदुत्व का है? हिंदुत्व का है, बाकी कोई मुद्दा मैटर? भारत देश तो विकसित हो ही रहा है, जब से मोदी जी आए 10 साल में बहुत कुछ काम हो चुका है। अभी तो काम और, अभी तो पिक्चर है, अभी तो बाकी है। अभी बहुत क्या क्या काम हुआ है, थोड़ा सा बहुत कुछ काम हुआ है। स्वच्छता अभियान हुआ है, स्वच्छता अभियान हुआ है, राम मंदिर हुआ है, 370 कलम हट गया है, अभी तो और बहुत कुछ बाकी है। अभी तो जो उन्होंने वादे किए थे मैनिफेस्टो में सारे हुए, उससे ज्यादा हुआ है, उससे ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये बहसा बहसी भी हो गई थोड़ी सी, क्योंकि सबके मुद्दे अलग अलग हैं। किसी को राम मंदिर से किसी की आस्था जुड़ी है और वो उसको एक बड़ा मुद्दे के तौर पर देखते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार में राम मंदिर बन गया है तो वो एक विकास का मुद्दा है। शौचालय उन्होंने गिनवाया, स्वच्छता अभियान उन्होंने गिनवाया। इसके अलावा दूसरी तरफ जो थे उनका कहना है कि महंगाई बढ़ गई है, जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। अगर यहाँ के लोकल प्रत्याशी की बात करेंगे, राजन विचारे और राजन विचारे के अलावा नरेश मस्के, तो राजन विचारे और नरेश मस्के को लेकर भी जो बहस छुड़ी हुई है उस पर भी जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे सबकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है दोस्तों हमने। अभी फिलहाल इसी लोकसभा सीट को हम कवर कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, सियासी मिजाज जो है वो क्या कहता है। कैमरा पर्सन दर्शन भाटकर के साथ मैं जयंती झा, MB Live।